आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर सेवन इंटीग्रल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन करते हैं यानी दिया एक्स कॉसेक इनवर्स सॉरी कॉसैक टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स फोर देखो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव सबको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यह इसी फॉर्मेट में गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर एक्स फोर गिवन है तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं लेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी देन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वन अपॉन वन प्लस एक्स फोर क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो उसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे टू एक्स आएगा इन टू डी एक्स इक्वल टू डी टी अब देखो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स फोर ये हमारे इंटीग्रेशन में भी है यहाँ पे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स फोर तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं वन बाई टू डी टी से तो इसकी जगह पे आ गया एक्स वन प्लस एक्स फोर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू डी टी हम इससे रिप्लेस कर देंगे इसको तो इंटीग्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये आ गया वन बाई टू और ये डी टी अब हमारे पास देखो क्या बचा हुआ यहाँ बचेगा cosec और ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ टी तो ये आएगा cosec टी और cosec टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग cosec एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग कॉसक टी माइनस कॉट टी ये तो आ गया इंटीग्रेशन बट ये टी की टर्म्स में आ रहा है जबकि हमारा क्वेश्चन एक्स की टर्म्स में है तो इसे एक्स की टर्म्स में लाना है या तो तुम कॉसेक टी को इनवर्स में कन्वर्ट करो टी को टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को तुम कॉशेक में कन्वर्ट करो अदरवाइज है ट्राइंगल मैथड से कर सकते हो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो टी की वैल्यू क्या आएगी इससे आएगी टी की वैल्यू मीन्स टेन टी की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर और इससे हम एक ट्राइंगल फॉर्म करके राइट ट्राइंगल फॉर्म करके सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सभी डिग्नोमेटिक रेशियोज की टेन टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन इस तरह इसका हाइपनुस आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स फोर अब इससे चाहे जो चीज़ फाइंड कर लें अगर हमें कॉशेक फाइंड करना है कॉशेक टी ये एंगल हमारा टी है कॉसेक क्या होता है हाइपनुस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर और ऐसे यहां यहाँ से हम कॉर्ट टी भी फाइंड कर सकते हैं कॉर्टी वन अपॉन एक्स स्क्वायर इनकी वैल्यू डायरेक्टली इक्वेशन पुट कर देते हैं वन बाई टू लॉग स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस सी ये फाइनल आंसर आ गया हमारा और सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं ये एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ रूट वन प्लस एक्स फोर माइनस वन प्लस सी तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका इस तरह ये फाइनल आंसर आ गया